इस्लामिक सेंटर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर क्यूआर कोड के जरिए मुसलमान ने वक्फ बिल 2024 की मुखालिफत की है, जबरदस्त तरीके से कर रही हैं और सैकड़ों लोगों ने लखनऊ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से चलाए गए बिल मुखालिफ मुहिम के तहत क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी बात जेपीसी तक पहुंचाने के लिए मैसेज किया और इस बिल के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बताया है कि वक्फ तरमीमी एक्ट की मुखालिफत इस क्यूआर कोड के जरिए पिछले जुमे से पूरे मुल्क में और लखनऊ में अलग अलग जगह पर है और मस्जिदों में क्यूआर कोड लगवा दिए गए हैं, जिससे करोड़ों की तादाद में मुसलमान अपना एहतजाज दर्ज करा रही हैं और हमें यकीन है कि करोड़ों की तादाद में लोग इस कोड के जरिए अपनी राय जेपीसी तक भेजेंगे और इस बिल को पास नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग इस बिल की मुखालिफत करते हैं और पुराना वक्फ कानून लागू रहे यही उम्मीद करते हैं। वक्फ संशोधन एक्ट को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार क्यूआर कोड के जरिए इसका विरोध दर्ज करा रही है। लखनऊ का इस्लामिक सेंटर है जहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये क्यूआर कोड लगाया गया है और इसी से तमाम जो मुस्लिम लोग हैं उनसे ये अपील की जा रही है कि इस क्यूआर कोड के जरिए वो अपनी विरोध दर्ज कराएं। आप लगातार ये क्यूआर कोड लगाया जा रहा है मस्जिदों के बाहर भी, अपील क्या की जा रही है आवाम से? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से तमाम मुसलमानों, खासकर मुसलमानों से अपील की गई है कि जो वक्फ तरमीमी बिल 2024 सरकार ला रही है इसका विरोध करें। उसके आसानी के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने ये एक क्यूआर कोड की शक्ल लगाया है और इस जुमे की नमाज के बाद ईदगाह में बड़ी तादाद में लोगों ने स्कैन करके अपना विरोध दर्ज कराया है। अच्छा, अभी तक कितना डाटा मिला है आप लोग को, कितना दर्ज हो चुका है? एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ लोगों ने इस बिल की मुखालफत की है। आप लोग से बात कर लेते हैं, आप लोगों ने क्यूआर कोड के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया है? जी, हम सब लोगों ने अपना क्यूआर के जरिए हम लोग ने अपना दर्ज करा चुके हैं, अपना अपना हम लोग और हम लोग ने जितने भी थे यंगस्टर, हम लोग ने अपना ये सारा क्यूआर हम लोग ने आगे सेंड भी कराया कि सारे हम लोग के यंगस्टर हो, हमारे भाई हों, मुस्लिम लोग जितने भी हैं, हम लोग ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाया कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका विरोध हो सके। क्यूआर कोड के जरिए क्या विरोध दर्ज करा रहे हैं आप? जी, हम बस यही कहना चाहेंगे, अपनी पब्लिक से यही अपील करना चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्यूआर कोड का स्कैन करके आप अपनी राय दें और ये बहुत अहम मुद्दा है हमारी कंट्री के लिए और वक्फ के लिए, हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत अहम मुद्दा है, इसलिए मैं ये चाहूँगा कि इसको स्कैन करें और अपनी राय दें। बिल्कुल, तमाम मुस्लिम लोग लगातार इसको स्कैन कर रहे हैं। हमारे साथ दारुल उलूम के प्रवक्ता है मौलाना सुफियान निज़ामी जी। सुफियान जी, कितने लोगों ने अब तक पिछले हफ्ते से स्कैन कर लिया और फिर लगातार मुहिम चला जा रही है, लगभग क्या डाटा पहुँचा है? नहीं, 2 करोड़ के ऊपर सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो डेटा है उसमें इसके ख़िलाफ़ हमने अपनी राय शुमारी का इजहार किया है और मुख्तलिफ और तंजीमें हैं प्राइवेट लेवल पर, इनफरादी सतह पर इंडिविजुअली लोग इसके ख़िलाफ़ अपनी राय भी दे रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि करोड़ों की तादाद में इसके ख़िलाफ़ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक अपनी राय जाएगी। बिल्कुल, पूरी उम्मीद है कि करोड़ों लोग इस बिल के विरोध को लेकर अपना क्यूआर कोड के जरिए मैसेज भेजें, बिल को लागू न किया जाए यही अपील लगातार की जा रही है। अतीक अहमद, सलाम टीवी, लखनऊ।